डरता हूँ ना, मैं किसी का बाप का खाता हूँ ना, मेरा रिस्क कोई देता है ना, मैं बस आपके उठ जाऊँ। मैंने आपकी बड़ी अदब से बात सुनी, दिखाएं आए कि आप पॉलीक्लिनिक तो आए ना, आप कभी देख लेते हैं कि आप कितनी मेहनत दिखाते हैं। आए बस बात करने दो, फैसल गौड़ा मुझे बात करने दो, आप क्यों इंटरप्ट कर रही हैं मुझे, बात करने दे मुझे प्लीज। नहीं तो एलिगेशन तो ना लगाए ना कि मैंने उन्हें इंटरप्ट नहीं किया, मुझे बात करने दे। आप करें करें करें, बिठाया हुआ है आपने, उन्हें बात किया, इस कातिल हुकूमत ने आप उनको इंटरप्ट नहीं किया, आप नहीं क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, तीन दफा करें ऐसी बातें, छोड़ दें। आपका मतियुल्ला जान क्यों गिरफ्तार हुआ है, किस जुर्म में हुआ है, पॉली क्लिनिक से आपको वहां से क्यों गिरफ्तार किया गया है? बिल्कुल बहुत मन खड़ा और मजे का केस मुकदमा, इसमें कोई शक नहीं है, प्लीज। बट नहीं बसरा साहब, जो साकिब बशीर, मैं तो प्रॉब्लम छोड़ दूंगा, ये क्या बात हुई आपसे, अपनी हमारे लोगों की लाइसेंस पड़ी है और आपने बात नहीं करने दे रही, सिर्फ तेरा लाइसेंस नहीं है, आप लोग तो 200 कह रहे थे, आप 300 कह रहे थे, मुझे बात करने दे। अगर आपने जुर्रत तो हिम्मत है मेरे साथ चले अभी लाइव पॉली क्लिनिक, या चले मेरे साथ आप इधर पिल्स, और वहां जाकर मैं आपको बताता हूँ कि कितनी लाइसेंस पड़ी है। नहीं नहीं, ये फिर वाली आपने वो एलिगेशन वाली बात, जुर्रत हिम्मत है, जुर्रत हिम्मत है, तभी तो बात कर रहे हैं ना कि तीनों जो लोगों की लाशों पे तमस्कर उड़ा है, चले तीनों मेरे साथ पॉली क्लिनिक या पिम्स, आ जाए आप, चले आपका शौक पूरा करते हैं, आ जाए आप बने बड़े कुरम खान, आए आप पॉली क्लिनिक, आए चले, मैं करता हूं, आप बताए कितने बजे आना, चले तेजी से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हुकूमत ने जो डी चौक में जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किया, तरीके इंसाफ के लोगों को शहीद किया, इसी पर बात करते हुए आज तरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत बसरा, फैसल वाडा और एंकर पर्सन मोना आलम पर बरस पड़े। आए पहले शौकत बसरा की गर्मा गर्म गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। इस वक्त भी पेम्स में और पॉली क्लिनिक में कम अज कम जो हमारी इंफॉर्मेशन है 30 से 40 लोग वहां मौजूद है, उनको कहा क्या जा रहा है, कहा यह जा रहा है तो गुस्सा को कि आप पहला काम ये करें, अगर तो इमरान खान के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे तो आपको डेड बॉडी दे देंगे, वो कहते हैं बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा है कि आप ये वीडियो बयान दें या बयान हस्ती दें कि आपका तहरीके इंसाफ से कोई तल्लक नहीं है, आप उस दिन वैसे इस्लामाबाद आए थे और आपका रोड एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से बसरा साहब, मैं इजाजत से आपकी, चूंकि ये वाली बातें आपकी जमात की तरफ से पहले भी आई लेकिन काफी एम्बेरसिंग था ना, पहले 100 से शुरू हुआ, 50 पे आया, फिर 20 पे आया, 30 पे आया, अब आपने 13 पे आप आ गए हैं, जितने भी हैं अल्लाह उनको जी अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, देखें बात सुने मेरी, जी मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, जी जी ना करें ऐसी बातें, छोड़ दें। आपका मतियुल्ला जान क्यों गिरफ्तार हुआ है, किस जुर्म में हुआ है, पॉली क्लिनिक से आपको वहां से क्यों गिरफ्तार किया गया है, कि वहां पर वो लोगों की वो इत्तला लेने गया था जिनकी डेड बॉडीज अंदर पड़ी है और उनके ऊपर इन्होंने मनुष्यात का झूठा मुकदमा दर्ज कर, बिल्कुल बहुत मन खड़ा और मजे का केस मुकदमा, इसमें कोई शक नहीं है, प्लीज। बट नहीं बसरा साहब, जो साकिब बशीर साहब उनके साथ थे वो तो कह रहे हैं कि ये वजह नहीं थी गिरफ्तारी की, वो कह रहे हैं कि हम तो गए हैं वहां पॉली क्लिनिक गए हैं, पिम्स भी गए हैं, मैं तो प्रॉब्लम छोड़ दूंगा, ये क्या बात हुई आपसे, अपनी हमारे लोगों की लाइसेंस खराब पड़ी है और आपने बात नहीं करने दे रही, नहीं बात करें आपको, किसने कहा बात ना करें, बात जरूर करें लेकिन सवाल का भी तो जवाब फरमाए ना, अल्लाह ना करे, मैं मुझे देखिए आपने इनको अपने साथ बिठाया हुआ है, आपने उन्हें बात किया, इस कातिल हुकूमत ने आप उनको इंटरप्ट नहीं किया, आप नहीं क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, तीन दफा मैंने उनसे सवाल किए पर लटके, उन्होंने तो जवाब दिया, मैं आपसे सवाल ही तो कर रही हूँ, आपको रोका तो नहीं मैंने, मोना आलम मैं इस वक्त साइट में हूँ, मुझे खुदा ना बात करने दे, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं उनको आपने बात करने दी, उनको इंटरप्ट नहीं किया, नहीं किया मैंने, ये मैं इस बात पे आपसे आपसे बसदे एहतराम आपसे इख्तलाफ कर रही हूं, मैंने किया उनको भी इंटरप्ट, सवाल भी किया आपसे, भी सवाल ही तो कर रही हूं, अब क्यों इंटरप्ट कर रही है मुझे, बात करने दे मुझे प्लीज, नहीं तो एलिगेशन तो ना लगाए ना कि मैंने उन्हें इंटरप्ट नहीं किया, बात करने दे, आप करें 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 लेकिन आप प्रोपेगेंडा तो ना करें ना, आप ये गलत बात हुई, आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने सवाल उनसे नहीं किया, क्यों सवाल नहीं किया, नहीं किसने का नैरेटिव चलाया, तो आपको बात करने के लिए बुलाया है, सुने बताएं बताएं आप बताएं, गो अहेड बट प्लीज आप एलिगेशन ना लगाएं, ये मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मोना आलम बात सुने, इस वक्त सूरत यह है, मैं आपको जो बात कह रहा हूं, हमने पूरा डाटा कलेक्ट कर लिया, आपने ये नहीं कहा कि तेरा एक इंसान का खून इंसानियत का खून है, बिलाशुबा सिर्फ तेरा लाशों की है, आप लोग तो 200 कह रहे थे, आप 300 कह रहे थे, मुझे बात करने दें, अब हमने डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वहां पर पूरे पाकिस्तान से, हमने हर डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि लोग मिसिंग हैं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस वक्त आप बस ये बात करें, ये सही बात है, मुनासिब बात है, हम आपके साथ हैं कि आप कह रहे हैं लोग मिसिंग हैं, अगर आपने जुर्रत और हिम्मत है मेरे साथ चलें अभी लाइव पॉली क्लिनिक, या चलें मेरे साथ आप इधर पिल्स, और वहां जाकर मैं आपको बताता हूँ कि कितनी लाशें पड़ी हैं जहाँ पे आपका, नहीं नहीं ये आप ये फिर वाली आपने वो एलिगेशन वाली बात, जुर्रत हिम्मत है, जुर्रत हिम्मत है, तभी तो बात कर रहे हैं ना कि जितनी हम बात हुई है,
आपकी ये आप मतलब ये गलत बात है बसरा साहब, आपको बुला रहे हैं, आपने अपनी बात का जवाब नहीं दिया। खैर से मैं भी आपसे पूछ रही थी आपका काफला कहाँ रह गया जो सोशल मीडिया पे निकला था, वो आपने जवाब नहीं दिया। आप मुसलसल एक एलिगेशन की टोन में बात कर रहे हैं, जुर्रत हिम्मत है, ये किस तरह की बातें हैं? जुर्रत हिम्मत है, लोग मरे हैं, लोग शहीद हुए, आप कह रहे हैं कि डी चौक का फैसला किसका था, आपका काफला कहाँ पहुंच गया? हमें बात करने दें, वो इंसान है। बहुत बहुत अहम बातें हैं बसरा साहब ने भी की हैं, वो अग्रीव्ड हैं, वो अपनी बात का वो कह रहे हैं, आप हमसे ये ना पूछें काफले कहाँ पहुंचे कहाँ ना पहुंचे। आपने भी एक पिछले कई दिनों से आप बात फरमा रहे हैं कि जो बुशरा बीबी हैं उनको एक अलहदा करना है, तभी से इमरान खान साहब की सियासत ठीक होगी। और आपने एक और ज्यादा अलार्मिंग बात की, आपने कहा उनकी जिंदगी की उनकी जान को खतरात लाहक है। सवाल ये होना चाहिए कि ये एक आदमी भी अगर शहीद हुआ है तो वो क्यों शहीद हुआ, किसकी ईमा पर शहीद हुआ है? चाहे वो वर्कर है, चाहे वो पुलिस वाला है, चाहे वो एक आदमी, हम छोड़ देते हैं। यहाँ तो बशरा साहब की पार्टी के लोगों ने मेरे शो पे, खोसा साहब ने 278 आदमियों का कहा है कि वो उनका कत्ल हुआ है, ठीक है? तो 278 की जगह 78 की बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड, कोई नमाज जनाजा, कोई दफनाने का इंतजाम, कोई कफन, कोई उसके वरासा, कुछ तो नजर आएंगे। वो कह रहे हैं बशरा साहब ने ये फरमाया 13 कंफर्म है। मेरी बात देखिए, वो 13 है, वो एक है, छोड़ दें आप 1300 छोड़ दें, एक आदमी, अगर वो एक आदमी भी है उसके उस हाल तक उसको मरवाने में जो जो लोगों ने किरदार अदा किया, उसको उस दहलीज तक लाने में वो सब सजाए मौत के जिम्मेदार होने चाहिए। बिल्कुल, बहुत सीधी सीधी बिल्कुल बात, सही सही बात है। उसमें इनका बच्चा है, उनका बच्चा है, मेरा बच्चा है, मैं हूं, कोई भी वो इंसान है, वो किसी भी इंसानी जान के ज्या को आप कर ही नहीं सकते अंडरमाइन। बिल्कुल, अब सवाल ये कि इस पार्टी का लीडर इमरान खान साहब है, इमरान खान के सपोर्टर हैं और वोटर हैं, बाकी किसी की कोई औकात नहीं है। जब हम पार्टी में थे हमारी कोई औकात नहीं, ना हम लीडर थे। जब लीडर ने कह दिया संजरानी पे रुक जाना है, तो किसी के बाप की क्यों जरूरत हुई कि वो डी चौक तक लाए और उसमें गरीबों को छोड़ के खुद भगौड़ों की तरह भाग जाए और खुद सामने ना आए? ना इमरान खान घड़ी चोर था, ना इमरान खान 190 बिलियन का चोर था, ना वो फौज के खिलाफ था, ना अदलिया के खिलाफ था, ना वो कत्लो गारत की पॉलिटिक्स करता था। 22 साल उसने अकेले जद्दोजहद की, ठीक है, वो 3 साल में बदल गया ना, उस 3 साल में बदला। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बड़ी जिम्मा हो गए, जिम्मेदार वही है, गोली उनसे चली है, साइन उन्होंने की है सब चीज़ों के ऊपर। किस कीमा पे की है? दो आदमी, बीबी फैज और कीड़े मकौड़े जो खान साहब के करीब थे, जो आज भी इक्तदार के मजे ले रहे हैं। इस खत्ते में पॉपुलर लीडर जेल में जाता है तो उसके खानदान वाले मजे लेते हैं, पैसे का भी, इक्तदार का भी, और उसके जो साथी और आपने बड़ा ओपिनियन एक दिया है कि अगर ये लोग हट जाते हैं तो वो ठीक है अस खुद। अब इसी खत्ते के अंदर हमने लाशों की सियासत भी देखी। मैं आपसे कह रहा हूं इमरान खान की जिंदगी बचानी है तो बीबी से जान छुड़ानी है। चलिए मोना, आप ओ हुकूमत ने अंडरस्टैंडिंग की, अंडरस्टैंडिंग जी ये मिले हुए हुकूमत वाले भी। बसरा साहब आप मैं कह रहा ओवर टू यू, बताइए आप तीनों जो लोगों की लाशों पे तमस्कर उड़ा रहे हैं, चले तीनों मेरे साथ पोली क्लिनिक या पिम्स आ जाएं, आप करें आपका शौक पूरा करते हैं, आ जाएं आप बने बड़े तुरम खान, आए आप पोली क्लिनिक आए, चले मैं चलता हूँ, आप बताए कितने बजे आना, चले उठे जी शो उठाए, आए जी आप पोली क्लिनिक तो आए ना, आपके भी देख लेते हैं कि आप कितनी हमें दिखाते हैं, आए बस साहब बहुत हो गया, मुझे आप रगड़ना शुरू करें ना, मैं आपसे ना मैंने आपसे बदतमीजी की है, ना मुझे आप इसमें रगड़ना, मुझे लाशें दिखाएं, चले आप बताएं किधर से पिक करना है, आपको बताएं किधर से पिक करना है, आप बताएं आप आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बताएं टाइम दें, वीडियो मंगवाएं, कैमरा मैन अभी पॉलीटेन करें, दिखाएं मुझे लाशें, सीधे बच्चे था, मैं बड़ी तहमुल से बात करता हूँ, सबकी इज्जत करके बात करता हूँ, झूठ मैं एक्सपोज करूंगा, सबका एक्सपोज करूंगा, मैं क्या किसी से डरता हूँ, ना मैं किसी का बाप का खाता हूँ, ना मेरा रिस्क कोई देता है, ना मैं बच्चे बात कर जाऊँ। मैंने आपकी बड़ी अदब से बात सुनी, मैंने आपकी बात को आप स्कैन किया, एक आदमी भी अगर मरा है तो गलत मरा है, लेकिन आप मुझे अगर तीनों के साथ शामिल करेंगे कि हम मजाक उड़ाएं, चलने के लिए तैयार हूं, मैं भी आपका चलने को तैयार हूं, मैं कलमा पढ़ के आपको कहता हूं पॉलिटेनिक चले मेरे साथ, वहां दूध का दूध पानी का पानी होगा, पाकिस्तान भी देखेगा, चले जी उड़ाए। लाशों पर सियासत कौन कर रहा है? ये लोग इतनी घटिया घिनौनी सियासत है कि लाशों पर सियासत, इमेजिनरी लाश जी, बस मुझे बात करने दो, फैसल गौड़ा मुझे बात करने दो जी। अच्छा, बसरा साहब रही बात मोना आलम माओ बहनों बेटियों की, मैं फैसल बाड़ा की बीवियों के मतलब इसलिए बात नहीं करूंगा, माए बहनें बेटियां सबकी शादी होती है। बिल्कुल, अगर किसी इंसान के अंदर गैरत शर्म क्या हो किसी की माओ बहनों बेटियों के मतलब इस तरह गुफ्तगू नहीं करता जिस तरह फैसल बाड़ा कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं फिर आपको कह रहा हूं कि जो इन लोगों ने किया है शोहदा चौक इस्लामाबाद में, मासूम लोग, ये डी चौक नहीं है, ये इस्लामाबाद का शोहदा चौक है, इन सबके, ये जो आपके सामने बैठे हैं, जो इनके सहूलतकार हैं, इनके साहब हमारे पास ज्यादा बातें फड़िया ना मारे ना, आए ना पोली क्लिनिक, आए ना, आए ना, बहुत बड़े कारकुन बने हुए ना, बहुत बड़े बीबी के वो बने हुए कि आपको जगह मिल जाएगी। आप जैसे लोग ही हैं जो इमरान खान की लाश पे सियासत करेंगे, आप पीपल्स पार्टी के टाइम पे भी ये बातें करते थे, मैं आपकी कौन सी बात को मानूं? अभी तो आप पोली क्लिनिक आए, आए आए पोली क्लिनिक आए, कौन को बताए, आज बताएंगे आपको पोली क्लिनिक आए। नाज़रीन आपने तीनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, आपने देखा कि शौकत बसरा जब भी शोदा की बात करते तो उनको बार बार इंटरप्ट किया जाता, कभी फैसल वाड़ा की तरफ से और कभी मोना आलम की तरफ से।
ताकि शौकत बसरा की बात किसी की समझ में ना आए। मगर शौकत बसरा ने भी अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचाई और कहा कि पॉली क्लिनिक और पिम्स में अभी भी 30 से 40 शोदा की लाशें पड़ी हुई हैं। मतीउल्लाह को इसीलिए हुकूमत की तरफ से गिरफ्तार किया गया क्योंकि मतीउल्लाह ने अस्पताल में आने वाले तमाम लोगों का डेटा कलेक्ट कर लिया था और वो इसको बहुत ज़्यादा पब्लिक करने जा रहे थे। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है, आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।